गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है वेनसडे बंदर धर्म डे और अभी बज रहे हैं सवेरे के 10 और हम जो है हमारी लास्ट ट्रैक भी रहे हैं और मनु के पापा भी रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। तो अभी जो है वो चले गए तो फिर दिन भर उनका आना होता नहीं है, तो इस वजह से हम दोनों जो है वो मतलब सवेरे की चाय जो है एक साथ पीते ही है। सवेरे सवेरे उनको नाश्ता नहीं चाहिए होता है तो वो नाश्ता नहीं करते हैं, तो इस वजह से चाय जो है वो हम लोग साथ में पीते ही है। और अभी जो है हमारे यहाँ की लाइट्स चली गई है तो गर्मी देखिए, तो चलिए चाय पीते हैं। तुम तो तोड़ के काला दिखते हो जब पाऊं मैं अंदर में है ना। माझे एचआर लाइट कर रहे हैं, तू एचआर लाइट जास्त असं दुरून जर घेतलं ना तर आजच काळा काळा दिसतो ना। आताचा वाढदिवस आहे कोणाचा? आताचा माझं तो मला बर्थडे करा कशी त्याचा कोणाचा? आकेचा आते 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 गुड गर्ल। ये देखिए हमारी कृष्णाली रेडी हो चुकी है, कृष्णाली का भी स्नान हुआ है ना तो उसने तैयारी कर ली, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा लेती हूँ। और अब भी उसको इतने के बाल छोटे छोटे हैं ना, फिर भी उसको पोनिया बांधनी है, मतलब हाथ में भी नहीं आते हैं मेरे, फिर भी उसको पोनिया डालनी है। बस बस हो गया बा, बस 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 बेबी बस। और इसके पैरों में ना इतने अच्छे चुमचुम थे, जो पेंजन हमारे बोलते हैं ना पैरों के, तो वो इतने अच्छे थे, लेकिन इसको वो ऐसे टोश मतलब उसको चुभने लगे तो उसने बोला मम्मा निकाल दो, तो मैंने निकाल दिए। और ये देखिए इसकी ड्रेस मतलब इतनी प्यारी लगती है ना, बहुत प्यारी लगती है मुझे। और ये जो ब्लाउज है ना मेरा, मतलब इस साड़ी पर का नहीं है, दूसरी साड़ी का है, लेकिन इसका जो ब्लाउज है मेरा मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी जिस साल मैंने मेरी शादी हुई थी उस साल की साड़ी है मेरी, लेकिन अभी ये तंग हो रहा है, मतलब आ नहीं रही इसकी फिटिंग, तो इस वजह से मैंने ये डाला नहीं। तो ये दूसरा वाला ब्लाउज जो है वो डाल दिया, लेकिन बड़ा प्यारा ब्लाउज था इसका भी, ये देखिए इस पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी इसकी फिटिंग आई नहीं तो फिर मैंने नहीं डाला। और चलिए अभी है ना मुझे कानों के झुमके में देखूंगी, उसके पहले मैं आपको देखिए इसके पापा जी ने ना कल भुट्टे लाए थे तो इसको छीलना है, इसको मैं उबालूंगी आज। तो मतलब पानी और नमक डाल के इसको उबालते हैं ना कुकर में सीटी लगाकर, तो बड़े अच्छे लगते हैं, तो इसको उबाल लूंगी। तो चलिए पहले मैं कानों के बालों मतलब झुमके देखती हूँ शॉप खुली है या नहीं। तो हमारे घर के सामने की ही शॉप है और वो अगर खुली होंगे तो सबसे पहले मैं बालों के कानों के लिए झुमके लेके आऊंगी। मैं देखती हूँ चलिए शॉप खुली है तो मैं सबसे पहले झुमके लेके आती हूँ, घर के सामने की ही है तो बड़े प्यारे हैं ऐसे मतलब छोटे छोटे से, मुझे पसंद आए थे तो वही मैं लाऊंगी और आज पहनूंगी कानों में। और ये देखिए बाल, थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा लेती हूँ क्योंकि अभी लाइट गई है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो कुछ पाउडर वगैरह लगाऊंगी ही नहीं लेकिन। और ये देखिए कृष्णा जी ने अभी ले थी पाउडर वगैरह यहाँ पे, उसमें तैयारी की ना यहीं पे रख दिया। तो जो चीजें उनको लगती है वो लेती है, फिर वही उसी जगह पर वो चीज रख के चली जाती है बाहर। चलिए फटाफट से रेडी होके जाती हूँ मैं और आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से कौन से झुमके लाए हैं, आपको पहन कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं लेके आई हूँ, मतलब शादी के बाद से पहले बार इस तरीके के जो है वो मैं पहनने वाली हूँ।
शादी के पहले अक्सर महीना करती थी, लेकिन अब भी जो है मोनू के पापा मुझे कुछ मतलब उनको नहीं अच्छा लगता था तो मैं नहीं डालती थी, नहीं लेती थी कुछ भी ऐसी चीज़ें, लेकिन अभी नहीं बोलते हैं वो कुछ मुझे, मतलब कहते हैं कि कर लो तुम्हें जो चाहिए पहन लो भी वो कर लो। ये देखिए इतने प्यारे हैं ना, मतलब इतने मुझे पसंद आए थे दोनों भी, तो मैं सोच रही थी लूँ या नहीं लूँ, अच्छे दिखेंगे या फिर नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी एक बार एक चीज़ मन में बैठ जाती है तो फिर उसको खरीदना ही मतलब खरीद जब तक हम नहीं लेते हैं तब तक नहीं अच्छा लगता। तो ये जो है वो मतलब अभी फिक्स नहीं, लेकिन है बड़े प्यारे, तो ज़्यादा लंबे हैं ना, बड़े हैं ज़्यादा, तो पहले मैं पहन के देखती हूँ। साड़ी पर तो मुझे नहीं लगते कि अच्छे लगेंगे या नहीं, नहीं लग रहे शायद, है ना। ये देखिए ये जो है वो मतलब ड्रेस पर पहनने के लिए है, तो मैं जब भी सूट वगैरह डालूंगी तब पहन लूंगी। अब मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ, वो थोड़े पहनने के लिए अच्छे ही लगेंगे साड़ी पर, क्योंकि वो डिजाइन उसकी जैसी है ना, तो वो अच्छे लगेंगे साड़ी पर। एक बार और लाइट जो है ना वो मतलब 2 घंटे से गई है हमारे यहाँ पे, देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छे लग रहे हैं, चलिए पहन के ही रखती हूँ आज। और अभी जो है वो मैंने आपको बताया ना कि भुट्टा में मतलब उसको उबालने वाली हूँ, तो सबसे पहले उसको साफ कर लेती हूँ, उसको जो होता है ना उसका यहाँ पे रखती हूँ, नहीं तो बच्चे आएंगी तो फिर उसके उनके हाथों लग गया तो फिर हो गया कल्याण मेरा, मतलब बच्चे अगर हो तो मम्मी को कुछ पहनना कुछ ये वो सब चीजें जो है वो उनको ही चाहिए होती है। चलो सबसे पहले अपने इसको इसका जो है वो सब कुछ पत्ते जो है वो निकाल देती हूँ फटाफट से। जब बच्चे थे ना तो मतलब मैं गांव से हूँ, मेरा मायका गांव से है, तो हम लोग खेती में जाते थे तो वहाँ इसकी कॉर्न की जो खेती हम लोग करते थे, मतलब पापा के पास में नहीं लेकिन और लोग जो है वो करते थे, पापा के फ्रेंड लोग, तो हम लोग वहाँ पे जाते थे भुट्टा लाने के लिए, तो वहाँ पे उसको छील देते थे क्योंकि उसका जो मतलब पत्ता वगैरह होता है वो घर पे क्यों लाना, वहीं पे छील के वगैरह जो घर पे लेके आते थे। और उसकी जो ये निकलती है ना, ये देखिए हर भुट्टे के अंदर में निकलता है ये, तो इससे हम कैसे खेलते थे पता, ऐसा करते थे ऐसा इस तरीके से, या फिर इसकी मूंछ बनाते थे इस तरीके से, काफी सारी चीजें करते थे, या फिर इसको जो है वो बालों में लगा लेते थे छोटे थे तो कुछ ना कुछ मतलब सबसे ज्यादा जो है ना इसको मुझे ऐसी इसकी दाढ़ी जो है ना, अभी एक थोड़ा सा ही मेरे पास है क्योंकि 3 ही भुट्टे थे तो कम निकला, लेकिन हम लोग बहुत सारे इतने सारे भुट्टों को जो है वो छीलते थे तो काफी सारा निकलता था, तो हम लोग उसको इस तरीके से दाढ़ी के तरीके से इसको मतलब बांध भी देते थे और इसको ऐसे इस तरीके से वहां पे पीछे की तरफ बांध देते थे। और वो देखिए लाइट्स भी हमारे यहाँ के आ गई है, पंखा चालू दिख रहा है आपको, और ये सारे भुट्टों को जो है वो मैंने अच्छे से मतलब साफ कर लिया है
और इसके छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। तो इन सब को जो है अब मैं डालूंगी कुकर में, ऐसे ही डालना है। और एक रेसिपी मतलब इसकी बनाती हूँ मैं, जो मतलब हमें मिलती है ना, हम कहीं घूमने जाते हैं तो वो एक बाउल में देते हैं बटर कॉर्न करके, तो वो भी रेसिपी मुझे आती है। अगली बार किसी अगर फिर से भुट्टे लाए गए घर में तो मैं वो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो लेकिन अभी जो है वो इन सब की डिमांड है कि इस तरीके से खाना है, तो इस वजह से मैं आज इनको नमक में जो है वो उबाल रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक जो है लोटा पानी मैंने डाल लिया है और एक लोटा पानी डाल रही हूँ। अच्छे से इसको पानी में डूबने चाहिए और नमक। मतलब इसको जो है अभी मैंने 4 से 5 चम्मच जो है नमक डाला है और इसको एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से अब इसको जो है 10 से 12 सीटियां लूंगी मैं, क्योंकि इसको उबालने में ज़्यादा वक्त लेता है, अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए। चलिए इसको कुकर को जो है वो मैं अभी गैस पे चढ़ा देती हूँ। तो ये है रात की मसाला खिचड़ी जो बची हुई है। आपको पता है जैसे कि मुझे बहुत अच्छी लगती है सवेरे वो खिचड़ी जो ये गर्म करके, तो उसी का नाश्ता जो है मैंने अच्छे से उसको ऑयल वगैरह डालकर गर्म कर लिया था और उसी का मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ और बच्चों ने भी सबने खा लिया था। अभी मुझे बनाना है लंच और मेरा कैंटी में से ऑयल खत्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं ऑयल निकाल लूंगी। तो के पापा जो है वो मतलब डिब्बा ही ला कर रख देते है लंच बनाती हूँ, आपको दिखाऊंगी मैं क्या बनाती हूँ आज। रेसिपी तो कोई शेयर नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जो भी बनाऊंगी वो मैं आपसे आपको दिखाऊंगी जरूर। तो ये देखिए यहाँ पे कॉर्न जो है वो अच्छे से उबल चुके हैं और ये अभी खाने के लिए रेडी है। तो ये इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में मैंने बच्चों को एक एक पीस दे दिया था इसका और बच्चों को बहुत अच्छा लगा था, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और इतना नमकीन लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो। और इसके बाद में जो है वो मैंने अपना लंच बना लिया था, तो लंच में जो है वो सिर्फ आज मैंने पालक के थालीपीठ बनाए हैं। तो ये देखिए वही मैं आपको दिखा रही हूँ। पूरे व्लॉग में जो है वो मैंने आज लिपस्टिक नहीं लगाई और अभी मुझे ख्याल आया खाना वाना खाने के बाद में कि लिपस्टिक तो मैंने आज लगाई ही नहीं, तो इस वजह से ये लगा ली है, ये देखिए। तो चलिए अभी दोपहर हो चुकी है और हमारा लंच वगैरह सब कुछ हो गया है और टाइम है अभी व्लॉग एंड करने का। तो आज का व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में नया कुछ लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड मुझे ज़रूर बताना, कोई भूलना मत, कि कौन इस तरीके से जो है भुट्टों के बालों का बूढ़ा बूढ़ी बन चुके हैं, तो कौन कौन खेलता था इस तरीके से मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज़।